बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूँ आपके साथ अंशिका पाठक। धनतेरस का धन मंत्र, जी हाँ, धनतेरस से दिवाली की शुरुआत हो जाती है। माना जाता है समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले उसे धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन माना गया है और धनतेरस को ही माता लक्ष्मी, कुबेर और यमराज की भी पूजा होती है। धनतेरस पर बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन सवाल ये है कि आप क्या खरीदें, कब खरीदें ताकि आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो सके। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ है देश के सबसे बड़े ज्योतिष आचार्य चिराग बेजान दारूवाला जी। चिराग जी, आपका बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। श्री गणेशाय नमः। तो सबसे पहला सवाल तो यही है चिराग जी कि धनतेरस से दिवाली की शुरुआत हो जाती है, ऐसे में सबसे पहले जानना जरूरी है कि आखिर धनतेरस का महत्व क्या है और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, धनतेरस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धनतेरस हिंदू धर्म में हर त्योहार का अपना अपना महत्व होता है। दिवाली, दशहरा और धनतेरस ऐसे त्योहार है जिनका इंतजार व्यक्ति को, हम सबको, एक साल पहले से शुरू हो जाता है। वेट करते रहते हैं हम लोग। दिवाली की शुरुआत धनतेरस के दिन से होती है। धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसी दिन से 5 दिनों तक चलने वाला दीपावली का त्यौहार शुरू होता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और धन के देवता कुबेर की पूजा भी की जाती है। इस साल धनतेरस 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। इसी दिन से दीपावली का 5 दिवसीय त्यौहार शुरू होगा। धनतेरस पर सोना आप खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं और बर्तनों की भी खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। बिल्कुल, और क्योंकि बर्तनों की खरीदारी भी शुभ मानी जाती है चिराग जी, तो ये भी हम जानेंगे आपसे कि कौन से बर्तन खरीद सकते हैं, कौन से नहीं। लेकिन उससे पहले, क्योंकि पूजा का बहुत मुहूर्त होता है और एक शुभ मुहूर्त में ही पूजा करनी चाहिए, तो क्या है शुभ मुहूर्त पूजा की? देखिए, धनतेरस के दिन पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन शाम को 6:31 से लेकर रात के 8:13 तक का जो मुहूर्त है वो बहुत ही शुभ है खरीदारी के लिए। धनतेरस का शुभ मुहूर्त, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो सोना खरीदना चाहते हैं, कुछ भी खरीदना चाहते हैं, तो उसका जो समय है वो शाम के 5:46 से लेके शाम के 7:42 तक का जो समय है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है। और अगर आप पूजा की बात करें, पूजा विधि की बात करें, धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर और देवी लक्ष्मी जी की पूजा का भी विधान है। इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की विधिवत पूजा आपको करनी चाहिए। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की प्रतिमा को आप स्थापित करें। वहीं रोली, अक्षत, फूल, माला आदि आपको अर्पण करना है देवी लक्ष्मी को। सफ़ेद मिठाइयाँ बड़ी पसंद है, सफ़ेद मिठाइयों का भोग लगाएं। धूप दीप जलाकर भगवान की आरती करें। इससे देवी लक्ष्मी जी और धन के देवता कुबेर भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। बिल्कुल, तो ये पूजा की विधि है कि आपको पूजा कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से वो सामग्री है जो आपको भगवान लक्ष्मी के साथ साथ, माँ लक्ष्मी के साथ साथ और गणेश जी को भी चढ़ाना है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मंत्रों को लेकर भी। तो आचार्य जी बताइए, वो कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनके उच्चारण मात्र से ही माँ लक्ष्मी या धन्वंतरी जी खुश हो जाते हैं? देखिए, एक मंत्र है अष्ट लक्ष्मी कुबेर मंत्र। वो मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्ट लक्ष्मी मम ग्रहे धन पुरय पुरय नमः। जाप विधि कुबेर देव की कृपा प्राप्त करने के लिए यह मंत्र फलदायी माना जाता है। धनतेरस के दिन यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको धन, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धन प्राप्ति के लिए कौन सा मंत्र है? ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। जाप विधि क्या है?
धनतेरस पर कुबेर देव की पूजा के बाद इस मंत्र का आपको जाप करना है। इससे धन की कमी कभी भी नहीं होगी और आप लोग भौतिक सुखों को भी अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये वो मंत्र हो गए हैं, चाहे धन की प्राप्ति हो या मां लक्ष्मी को खुश करना हो या श्री गणेश से लेकर धनवंतरि जी तक, आपको किन बातों का ध्यान रखना है ये हम बता रहे हैं और वो अचूक मंत्र भी। अब बात करेंगे उन सामान की भी जो खरीदना शुभ माना गया है धनतेरस के दिन। वैसे तो आचार्य जी कहा जाता है कि कोई भी नई चीज आप धनतेरस के दिन लेकर आइए तो काफी शुभ होता है, लेकिन कई ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें नहीं लेकर आनी चाहिए, तो कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें खरीद सकते हैं और किन्हें नहीं? देखिए, धनतेरस के दिन आप कुछ चीजें जरूर से खरीद सकते हैं। एक तो आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं आपके घर के लिए, जैसे आपको नया फोन लेना है तो आप ऐसा कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही शुभ रहता है। दूसरा, आप बर्तन की खरीदी कर सकते हैं, पर बर्तन कौन से आपको लाने हैं? ब्रास वाले बर्तन लाने हैं, आयरन और स्टील के बर्तन आपको नहीं खरीदने हैं। और क्या खरीद सकते हैं आप घर के लिए? झाड़ू खरीद सकते हैं, गोमती चक्र खरीद सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नई दुकान खोल रहे हैं, ओपनिंग करना चाहते हैं, तो धनतेरस के दिन ही माँ लक्ष्मी जी की पूजा करके इसकी शुरुआत करनी चाहिए। ये सब चीज़ें तो आप खरीद सकते हैं। अब आपको क्या नहीं करना है, काले कलर की चीज़ें आपको घर में नहीं लानी है, काले कलर के आपको कपड़े नहीं पहनने हैं, कोई भी प्रकार का काला कलर आपके पास नहीं होना चाहिए या खरीदी उसकी नहीं करनी चाहिए। क्यों? इससे आपका जो राहु है वो अट्रैक्ट होगा, और राहु अट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, कुबेर जी का जो आशीर्वाद है वो आपके ऊपर नहीं रहेगा। तो यह चीज़ को आपको अवॉइड करना है। पर ये चार पांच चीज़ें जो हमने बताई, गोमती चक्र हो गया, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए, नए कपड़े आप खरीद सकते हैं, और झाड़ू खरीद सकते हैं, बर्तन, पर आयरन और स्टील के बर्तन आपको नहीं खरीदने हैं, तांबे के बर्तन आप खरीद सकते हैं। ये चार पांच चीज़ें आप खरीदें, जरूर से आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। धनतेरस के दिन से ही, अच्छे दिन से ही आप अपने कार्य की शुरुआत करें, जीवन में भी आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो ये तो बात हो गई उन तमाम ऐसे बर्तनों को लेकर जो आप खरीद सकते हैं और जो आप नहीं खरीद सकते हैं। स्टील की चीजें आपको शायद नहीं खरीदनी है। दूसरा सवाल ये है कि धनतेरस के दिन गृह प्रवेश या फिर किसी नए कारोबार की शुरुआत की जा सकती है क्या? हाँ, धनतेरस के दिन आप नए घर में शिफ्ट कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको कोई भी नया व्यापार शुरू करना हो, स्टार्टअप करना हो, रिटेल शॉप आप खोल रहे हैं तो वो भी आप खोल सकते हैं, और लक्ष्मी जी की भी आपको उस दिन पूजा अर्चना करनी है और वो जरूर से आपके लिए लाभदायक रहेगा। और कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बुक करना चाहते हैं, तो धनतेरस के दिन करें, जरूर से आपको लाभ होगा होगा होगा। एक सवाल कारोबारियों के लिए भी है, वो कारोबारी जो लंबे समय से लॉस में जा रहे हैं या फिर उन्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वो ऐसा क्या करें जिससे उनका बिजनेस थोड़ा ग्रो करे? देखिए, व्यापार को अगर बढ़ाना चाहते हैं बिजनेसमैन, तो आपको अपने घर के बाहर आप बोलें, या तो फिर आप अपनी दुकान के बाहर बोलें, एक तो आपको गणेश जी बिठाने हैं, लक्ष्मी जी बिठाने, साथ में लोखंड की कोई भी चीज़ आपको बाहर रखनी है, तो उससे क्या होगा, कोई नेगेटिविटी आपके जीवन में, आपकी दुकान में, आपके कारोबार में एंटर नहीं हो पाएगी, और गणेश जी का और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा तो जरूर से आपका व्यापार चलेगा। क्या इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदी जा सकती हैं धनतेरस में? हाँ, हमने बोला ना, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आप खरीद सकते हैं और खरीदना ही चाहिए। नया फोन खरीदना चाहते हैं, टीवी खरीदना चाहते हैं, या फिर लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, वो हर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं और वो बहुत ही शुभ माना जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी नौकरी पेशा हैं जिनको निराशा हाथ लग रही है काफ़ी समय से, और त्योहारों का वक्त ऐसा होता है जो काफ़ी उम्मीद होती है कंपनी से कि कहीं ना कहीं वो हमारे बारे में ज़रूर सोचेंगे प्रमोशन से लेकर हर चीज़ के लिए, उनके लिए कैसा रहने वाला है इस बार धनतेरस? धनतेरस देखिए, आप नौकरी वर्ग बोले कि जो लोग व्यापार कर रहे हैं, राइट, वो सभी के लिए धनतेरस का ये नया साल बहुत ही बेहतरीन रहेगा और अपॉर्चुनिटीज़ का भंडार खुलेगा। आप ये कह सकते हैं कि सूर्य का और गुरु का आशीर्वाद सभी के ऊपर रहेगा तो प्रमोशन भी होगा, ग्रोथ भी होगा और स्टेबिलिटी भी देखने को मिलेगी। और अगर कहीं पे निवेश किया हुआ था जिसका रिटर्न नहीं मिल रहा था,
तो वो अच्छा रिटर्न भी आपको मिलना शुरू होगा। धनवंतरि स्वास्थ्य के देवता माने जाते हैं, तो बेहतर स्वास्थ्य के लिए या घर में हर कोई खुश रहे और हेल्दी रहे, इसके लिए कोई ऐसा उपाय? उसके लिए एक अच्छा उपाय है, हेल्थ में सबसे इम्पोर्टेंट होती है मेंटल हेल्थ, कि मेंटली आप अगर मजबूत हैं तो आप सभी कार्य कर पाएंगे। तो उसके लिए आपके पास दो मंत्र है, ओम रिम चंद्राय नमः, ये मंत्र है चंद्र का, और दूसरा मंत्र है ओम सोम सोमाया नमः। ये दो मंत्र करते हैं तो मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी और घर पे खुशियों का आगमन बरकरार रहेगा। कुछ ऐसे मेहनती भी हैं जो काफी समय से मेहनत कर रहे हैं लेकिन ग्रह नक्षत्र साथ नहीं दे रहे हैं, कह लीजिए त्योहारों में, क्योंकि बहुत सारे ग्रह नक्षत्र परिवर्तन होते हैं और जगह भी बदलते हैं, तो क्या उनके लिए ये वक्त सही रहेगा जिन्हें कामयाबी लंबे समय से नहीं मिल रही? देखिए, जिनको सफलता नहीं मिल रही थी, सफलता के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे थे, तो नवंबर की 12 तारीख के बाद का जो समय है धनतेरस के दिन से शुरुआत तो हो जाएगा, पर और जो कहते हैं ना बूस्ट अप एग्रेसिव रिजल्ट, तो वो नवंबर की 12 तारीख के बाद उनको अच्छे परिणाम मिलने शुरू होंगे और 120% करियर में बदलाव देखने को मिलेगा, पर्सनल लाइफ में बदलाव देखने को मिलेगा और इम्पोर्टेंट हेल्थ में भी बदलाव देखने को मिलेगा। यह नया साल, ये धनतेरस के दिन से जो शुरुआत हो रही है, दिवाली के दिन की जो शुरुआत हो रही है, ये बहुत ही बेहतरीन रहेगी और लोगों का जो स्ट्रेस लेवल था वो धीरे धीरे कम होता नजर आएगा और लोगों के जीवन में पॉजिटिविटी नजर आएगी। कुछ ऐसे भी हैं आचार्य जी जो रात के समय लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं उनके नाम का, क्या कुछ कनेक्शन है इसका? देखिए, ये सब लोग अलग अलग मानते हैं, पर हम ऐसा मानते हैं कि जो मुहूर्त होता है, प्रॉपर टाइम होता है, जो विधि विधान का जो समय होता है, उस समय करते हैं तो लक्ष्मी जी जल्दी प्रसन्न होती है। क्यों? क्योंकि वो समय वो अच्छे मूड में होते हैं, वो समय वो आपके घर के आसपास होते हैं। रात के समय अगर आप करते हैं तो उससे जितना आपको बेनिफिट मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। तो हमारे हिसाब से जो समय होता है उसी समय पर आप करेंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के एस्ट्रोलॉजी यानी राइट पर्सन राइट प्लेस राइट टाइम, तो सही इंसान सही जगह और सही समय पर वो करेगा तभी उसको अच्छा फलेगा। शुरुआत दिवाली की होती है माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ, लेकिन माँ लक्ष्मी के बगल में धन्वंतरि जी विराजे हैं और दिवाली में गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा होती है, तो ये महत्व क्या है धन्वंतरि जी और लक्ष्मी जी की पूजा का? देखिए, लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए की जाती है कि हमारा अखा साल, नया साल हमारा अच्छा निकले, कि माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बरकरार रहे और हम लोग कोई कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं, कुछ लोग व्यापार कर रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग सेक्टर्स के साथ जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं एक आमदनी के लिए वो लोग जुड़े हैं, तो वो आमदनी कौन देता है? वो आमदनी देती है धन्वंतरि जी और लक्ष्मी जी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन ये है कि वो एक आपको अच्छा हेल्थ देगी, एक आपको फाइनेंस देगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास पैसा होता है पर हेल्थ नहीं होती, तो वो पैसा आप अच्छी तरह यूज नहीं कर पाते, तो वो दोनों का आपको जीवन में बैलेंसिंग चाहिए, तो वो दोनों का आशीर्वाद अगर आपके ऊपर रहेगा तो आपका जीवन में कल्याण हो जाएगा और आपका डंका बजेगा बजेगा बजेगा। धनतेरस के बाद नरक चौदस, इसका क्या महत्व है? देखिए, इस दिन जनरली क्या होता है कि कोई भी प्रकार की नेगेटिविटीज हो, कोई भी प्रकार का आपके ऊपर काला जादू हुआ हो, तो उसको उतारने के लिए बहुत अच्छा दिन माना जाता है। घर के अंदर से कुछ नेगेटिविटीज आपको निकालनी है तो उसके लिए भी वो दिन बहुत ही बेहतरीन है, और इस दिन आपके जो भी इष्ट देव है, आप जो भी धर्म में मानते हो, उनके नाम की आपको पूजा अर्चना करके गरीबों में दान देना चाहिए, तो उससे आपका स्वास्थ्य, आपके परिवार वालों का स्वास्थ्य और आपके घर का जो माहौल है वो शांतिपूर्ण बना हुआ रहेगा। क्योंकि आपने नकारात्मक ऊर्जाओं का भी जिक्र किया है, त्योहारों में हम खासतौर पर देखते हैं, हमारे बड़े बूढ़े ये कहा करते थे कि जब भी आप बाहर निकल रहे हो तो बड़े सावधानी से निकलो, कहीं कोई नींबू लाल कपड़े इस तरह के जो टोटके होते हैं, इनमें कितनी सच्चाई और इनको कैसे हमें फॉलो करना चाहिए, इनमें सावधानियां क्या बरतनी चाहिए? कभी भी आप जाते हैं तो चौराहे पर, चार रास्ते पर जाते हैं तो आपको सावधानी से जाना चाहिए, क्योंकि देखिए जैसे हमने बताया कि अगर आपने नेगेटिविटी उतार के कहीं पर डाला तो वो नेगेटिविटी किसी और के अंदर ना चली जाए, इसलिए वो वहीं, आप कहीं पर भी जाते हैं रात के समय तो खास आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हम एक और चीज़ बताते हैं, आपको थोड़ा सॉल्ट लेना है, थोड़ा नींबू डालना है और उससे अपना हाथ धोना है, ये दिन भर आप 3 बार कर सकते हैं, सुबह दोपहर और शाम, और ये शनिवार के दिन जनरली करना चाहिए, मंगलवार के दिन करना चाहिए और गुरुवार के दिन करना चाहिए,
दिन और तीन समय आप करते हैं तो 120% आपको उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी कुछ दिनों में देखने को मिल जाता है। अच्छा आचार्य जी, कई बार ऐसा होता है कि कई बड़े बिजनेसमैन ऐसे हैं जो किसी कारणवश अपने ऑफिस में, जहां से उनकी कमाई होती है, अपने दफ्तर में पूजा नहीं कर पाते हैं, कहीं वो बाहर चले जाते हैं किसी इमरजेंसी की वजह से, तो क्या वो कहीं भी रहें तो पूजा कर सकते हैं? देखिए, वो कहीं पर भी रहे पूजा कर सकते, पर एक संकल्प लेना चाहिए। अगर आप 5 दिन पहले चले जा रहे हैं, 10 दिन पहले चले जा रहे हैं, तो वो 5 दिन 10 दिन पहले आप प्रभु की पूजा अर्चना कर सकते हैं और एक संकल्प ले सकते हैं कि प्रभु से, हम कहते हैं ना परमिशन, एक परमिशन लेनी है कि मैं इतने दिन नहीं हूँ और मेरे पीछे से मेरे जो लोग हैं, मेरे परिवार वाले हैं, वो आपकी पूजा करेंगे, मुझे आप माफ़ करिएगा, पर मैं जहाँ पर भी हूँ, और अभी तो ये डिजिटल का समय है तो डिजिटली मैं आपके साथ जुड़ूंगा, ये चीज़ें कर सकते हैं। यम का दिया क्या होता है? देखिए, यम का दिया यानी आप डायरेक्टली वो दिया करते हैं तो डायरेक्टली यू आर गेटिंग कनेक्टेड टू गॉड, इट इज द लाइट ऑफ गॉड यू कैन से। तो ये वो तमाम अहम चीजें हैं धनतेरस को लेकर जो आप सुन रहे हैं और आचार्य जी आपको बता रहे थे। बहुत जरूरी है पूजा की विधि भी और मुहूर्त भी, जिस मुहूर्त में आप पूजा करते हैं उसका लाभ आपको जरूर मिलता है। बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और धनतेरस आपके लिए भी बहुत ज्यादा शुभदायी हो, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं धनतेरस की। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही।